कलंक ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब दानियाल सारा से शादी कर लेगा जबकि दुरैया उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। दुरैया इस बार भी कोशिश करेगी कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए सारा पर इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन सारा सारी बात सुन चुकी है। अब वो सरफराज के साथ साथ शाहरुख पर भी केस करेगी और दुरैया को मना लेगी। दुरैया को इस हकीकत से बचाएगी और दुरैया को समझाएगी कि तुम क्यों ब्लैकमेल हो रही हो, जबकि उधर वहाज को दुरैया से यकीन उठ चुका है। वो बहुत पछता रहा है कि उसने कितना जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। अगर वो ऐसा ना करता तो सारा उसके साथ होती। वो सारा की बेगुनाही को तस्लीम कर चुका है जबकि सारा बेकसूर है, ये सब जानते हैं। अब दानियाल और सारा तो बहुत खुश होंगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहता है कि सारा और दानियाल को एक साथ होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। शुक्रिया।